अगर कोई मित्र बनाना है, मित्रता बननी है, उन्हां नाल गंढ जेडे रब दे प्यारे, जेडे रब दे नेड़े, जिन्हां वास्ते रोज अरदास करते हैं, सही प्यारे मिलना, जिन्हां मिलदे हां तेरा नाम चेता रहे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पुछा। जिस तरह की संगत करांगे उस तरह का मन हो जाएगा। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी भी कहते हैं, मेरी मां ने मैनू एह असीस दिती, पोता माता की असीस निमुख ना विसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्री। सतगुरु जी हमेशा मेहर रहवान रह, और तुहाडी संगत भलिया भी होगी, संत संग तेरी प्री। आओ आप भी वाहगुरु अगे अरदास करिए, सच्चे पातशाह अपने प्यारियां दा मेल, अपनी संगत, अपनी सरप्रस्ती, मेहर दी नजर हमेशा ही साडे सिर ते रखो जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जप, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਧਨੀਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਧਨੀਆ ਤੇਰਾ
ਤਨੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨੀ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨਦੀ ਜਪ ਮਨ ਤਨੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨੀ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨਦੀ ਮਨ ਤਨੀ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨਦੀ
Oh,
मकसद साडा की है, एहो मकसद है ना कि साडा जीवन सफल हो जाए। पर जे असी आए घंटा कीर्तन श्रवण किया जिस ताई समाप्ति हो गई, उठ के चले गए, अजे सतगुरु जी ने कृपा करनी है, आपां अरदास विच शामिल हो के सतगुरु जी अगे बेनती करनी। सच्चे पातशाह पड़ी सुनी बाणी साडे मना विच हिरदियां विच वसा दे, एक खोटी मत रख लो चंगी मत दे दे। सतगुरु जी ने पावन हुक्मनामा बख्शिश करना है, तू की करना आया है, की करना है, किस तरह जीवन बसर कर। फिर प्यारे सतगुरु जी जागत जोत प्रगट गुरां की दे, प्यारे सतगुरु जी नूं निज स्थान ते पहुंचा के सतगुरु जी दीआं पूरीआं खुशियां लैके सिख घरां नूं जावे, ये है इत्थे आउण दा लाभ। जे आपां ये कीर्तन सुनिया ते समझिया भी नहीं, जे समझ आ गई कि की बेनतियां हो रहीआं सन, फिर तो प्यार बहुत हिरदे विच आ जाएगा, छड्डण नूं जी नहीं करेगा ना कीर्तन ते ना गुरु। बस अंदर प्यार जगाना है, अंदर लाग लग जाए, प्यार संगत विच आ के पैदा होंदा है। साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। संगत तो बिना प्यार पैदा नहीं हुंदा ते प्यार तो बिना भगती अधूरी है। सो प्यार होर अंदर साडे अंदर वध जाए, गुरु नाल बाणी नाल सेवा सिमरन करिए। एक दीवान इस गुरु घर विच संडे नूं 11 तो पौने 12 और फिर
12:30 ਤੋਂ ਲੇਟ ਸੈਨ ਹੋਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸ ਲਿਸਟ ਹੋਏ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਨੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। Why do you? 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 Why do
Thank you.